हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज मेरा वीडियो आ रहा है और मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि आपका वीडियो क्यों नहीं आता है और आपका तबीयत तो सही है बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था इन दिनों। मेरा लास्ट आया था शायद 9 तारीख को ब्लॉग, वो भी कुछ दिन बाद आया था। तो आज है 14 तारीख और प्रॉब्लम है कि हम इतने लकी तो है नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी एंजॉय करते हैं, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है और बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी होता है जो सब कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है और मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट अभी कर लेना चाहिए। मेरे बेबी के लिए वो अच्छा है क्योंकि मुझे मेरा बॉडी अब भी रेस्ट मांग रहा है, तो हम फुल्ली प्रॉपर रेस्ट दे रहे हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम अभी हो रहा होगा, आप लोग फील कर पा रहे होंगे। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। और एक बात बताएं, हम आज 3-4 दिन से किचन का शक्ल नहीं देख रहे हैं। नहीं, पापा खाएंगे। तो अब समझ सकते हैं कि किस सिचुएशन से हम अभी जा रहे हैं। तो इस टाइम पर ना, हम जितना रेस्ट करेंगे ना मेरे बेबी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए उतना अच्छा है। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा मतलब ब्रेक ले लेके हम ब्लॉग पोस्ट करने का कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते हैं। और मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग समझेंगे इस प्रॉब्लम को। और आज भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। हम सोचे नहीं, बहुत दिन हो गया है, तो आप लोगों को एक अपडेट दे देते हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। और आज देखो ना, आज है कौन सा दिन बताओ? आज है बुधवार। और हस्बैंड का भी आज काम पे गए थे, उनका ही बुखार वहीं पे आ गया है। तो अभी आ रहे हैं, 8 बजे तक घर आ जाएंगे। तो मम्मी मुझे ना सारा दवाई निकाल के रख के गई कि आने के बाद पहले उसको खाने खिला के दवाई खिला देना। बोले हाँ ठीक है, वो हम कर लेंगे। और बस मेरा पूरा दिन का काम बस यही रहता है कि हम किट्टू को थोड़ा सा खिला लेते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इतना सही। और कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल एकदम आराम, बेड रेस्ट पूरा, मतलब सोते हैं थोड़ा सा, उठ के खाना पीना खाते हैं, नहाते धोते हैं, बस इतना सा है। और इसमें ना हम कैसे ब्लॉग बनाएं, कैसे पोस्ट करें, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। और अगर कोशिश भी करते हैं ना, तो जो बॉडी है वो साथ नहीं देता है बिल्कुल। बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। बस आप लोग प्रे कीजिए, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि ब्लॉग आए, पर सॉरी, आप लोगों से सबसे पहले तो माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जब जानते हैं कि मोनिटाइज होना, एक चैनल को कराना कितना टफ होता है, वो हमने करा लिया। और अब मुझे चाहिए कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि क्या क्या बीतता होगा कि इतना मेहनत करके अपना करियर जो बना रहे थे वो एकदम डाउन पे जा रहा है। पर बच्चे के आगे तो ये सब छोड़ना पड़ रहा है। कोई कोई करता है क्या कि करियर के चलते बच्चे को छोड़ देते हैं, मतलब वो वाला, वो मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। किट्टू जाओ, जूता पहन के करके आओ। जाओ, शक्ल देख सकते हो फ्रेंड्स, सोसो के क्या हाल होता है। सोसो सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। अच्छा अब आओ, हम कर देंगे, जाओ। ओके, तो फिर आज का छोटा सा वीडियो इतना तक ही रहा, कल देखते हैं। थोड़ा सा मतलब बेटर फील हो रहा था तो हम सोचे नहीं आज पोस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ हम जाएं? अच्छा, उसको बाहर में डर लग रहा है। कोई नहीं है, मम्मी भी नहीं है, थोड़ा सा काम से बाहर गए और हस्बैंड भी नहीं है ना, अकेले डर रहा, डर लग रहा है। आ जाओ। ओके फ्रेंड्स, यहीं पर अपना वीडियो एंड करते हैं। बस सपोर्ट करते रहिए, मुझे पता है आप लोगों को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बस इसके लिए सॉरी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तो पता नहीं कब दे पाएंगे। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।